हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है चिकन कौशा। चिकन ड्राई फ्राई भी आप बोल सकते हैं इसको। हम रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे या चावल के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही क्विकली ये बन जाता है। तो सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। तो उसके लिए हमको चाहिए 1/2 kg चिकन, 2 teaspoons मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट दिया है, 1 teaspoon मैंने इसमें नमक दिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कर्ड दही मिलाया है। और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी अपने हाथों से। मिला के इसको मैं आधे घंटे के लिए कम से कम रख दूँगी। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है पकने के बाद, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पकने के लिए। दूसरी तरफ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया आधे घंटे के बाद, और 2 tablespoons मैंने इसमें ऑयल डाला, 2 तेज़पत्ते डाल दिया, और साथ ही साथ मैं इसमें अभी डाल दूँगी 2 medium-sized स्लाइस किया हुआ अनियन। इसको मैं अच्छे से भुनूंगी जब तक ये लाल ना हो जाए। प्याज को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो भी सब्जी आप बनाए उसमें थोड़ा सा स्मेल आता है। और अभी हिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो मैंने इसीलिए तेज पत्ते को निकाल कर अलग कर लिया। अब मेरा प्याज अच्छे से लाल हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सूखा मसाला डालने से पहले मैं इसमें हल्का सा पानी डाल लूँगी ताकि सूखे मसाले जले ना। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 teaspoons मैंने कोरिएंडर पाउडर और 1 teaspoon मैंने जीरा पाउडर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर से मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी, और अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच से भी कम पेपर पाउडर दिया है। अब मैंने इसमें गरम मसाला 1/2 चम्मच से भी कम डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें हरी मिर्ची जो मैंने काट कर रखी थी वो डाल दिया, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने चॉप करके रखे थे उसको मैंने डाल दिया। आप चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब टमाटर को पकने के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था इसलिए मैं अभी नमक नहीं ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे टमाटर पक रहा है। कम से कम 4 से 5 मिनट लगता है टमाटर को गलने में। जब टमाटर अच्छे से गलेगा तभी हम चिकन ऐड करेंगे, नहीं तो हम उसको ढक ढक के पकाएंगे। देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गया है, टमाटर ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम को कम कर देंगे। कम करने के बाद हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसीलिए गैस का फ्लेम कम करेंगे क्योंकि इसमें दही है, और ज़्यादा तेज़ आँच में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा दही फट जाएगा। हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ ऐड करें दही से रिलेटेड, तो हमेशा गैस को कम करके ही डालिएगा। अब इसको, क्योंकि नाम ही कौशा है, कौशा चिकन, तो इसको आपको बहुत अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिलाकर इसको आप ढक के रख दीजिए। चिकन ने अपना पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको ढक के रखिए, और देखिए धीरे धीरे चिकन पक रहा है। इस चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेटेड है। मैरिनेटेड करके रखने से आपका चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत ही सॉफ्ट भी होता है। तो मैं इसको ढक ढक के पकाऊंगी, कोई भी एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। देख सकते हैं धीरे धीरे चिकन पक रहा है। अभी मैं आपको टोंग की सहायता से दिखाऊंगी। देखिए चिकन कितना टेंडर हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, आराम से हड्डी से अलग हो रहा है। ये 90% कुक है, इसको मैं और 2-3 मिनट तक पकाऊंगी अच्छे से। अब मैं इसको ढक दूंगी, ढक के और 2-3 मिनट पकाऊंगी अच्छे से। बस देखिए हमारा पूरा चिकन ने तेल छोड़ दिया है, ये पूरा अच्छे से पक चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और आप भी बनाइए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत टेस्टी भी है। तो देख सकते हैं मेरा चिकन कौशा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए आज के लंच में। ये मेरा चिकन कौशा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप भी बनाएं, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको खिलाएं, और बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।